अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ योर टीचर मिस आयशा हसन। आज हम लोग यूनिट 4 का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का टाइटल है द विजडम ऑफ कन्फ्यूशियस। ठीक है, यानी कन्फ्यूशियस की अकलमंदी। सबसे पहले चैप्टर को मैं रीड एंड ट्रांसलेट कर लेती हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन द मॉरल ऑफ दिस लेसन। So let's start the lesson by reading it. Confucius lived in China more than 500 years before the birth of Christ. यानी कन्फ्यूशियस जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको क्राइस्ट कहते हैं अंग्रेज़ी में, उनकी बर्थ से भी 500 साल पहले जो है वो रहता था चाइना में। ठीक है जी। ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट टीचर। वो दुनिया के बेहतरीन उस्तादों में से एक था। He had little interest in religion. Religion यानी मज़हब में उसका ज़्यादा लगाव नहीं था, but he had taught people to be good. लेकिन उसने लोगों को क्या सिखाया था? अच्छा बनना सिखाया था। To be good यानी अच्छा बनना। He summed up his teaching. उसने जो भी तालीमात दी थी, अपनी जो भी जो है वो तालीमात थी, उसका ख़ुलासा क्या था? Do not do unto others what you would not have them do unto you. यानी दूसरों के साथ वो सब मत करो जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ हो। ठीक है, ये फ्रेज उनके जो है वो मेन टीचिंग में से एक था। डो नॉट डू unto others what you would do not have them do unto you. ठीक है जी। इसके बाद as a boy Confucius loved music and learned to sing. जब वो छोटा था तो उसको जो है वो म्यूज़िक, संगीत और गाना गाने में बड़ी दिलचस्पी थी। उसने सीखा भी था गाना गाना। When he grew up, he earned his living as a teacher. जब वो बड़ा हुआ तो उसने जो है वो टीचिंग का प्रोफेशन अपनाया। There was no fixed fee. कोई जो है वो उसने अपनी चार्जेस या फीस नहीं रखी थी, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं थी। And none at all if a pupil was poor. पीपल यानी शागिर्द, स्टूडेंट्स को पीपल कहते हैं। अगर जो है वो कोई पीपल बहुत गरीब था तो उससे वो कोई भी फीस नहीं लेता था। कन्फ्यूशियस हैड अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड। कन्फ्यूशियस का दिमाग जो है वो एक साइंटिफिक तरीके से काम करता था। ही हैड टोल्ड हिज पीपल टू बी फ्लैक्सीबल। फ्लैक्सीबल का मतलब हमें जो है वो लचक पैदा करनी चाहिए अपनी इमोशंस में। ये नहीं कि बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई जो है वो हमारे में तब्दीली नहीं आ सकती। वक्त के साथ जो है वो हमें अपने आप को फ्लैक्सीबल करते रहना चाहिए। फ्लैक्सीबल का मतलब होता है लचक। एंड इन्वेस्टिगेट फैक्ट्स बिफोर एक्सेप्टिंग देम। यानी कोई भी जो है वो फैक्ट्स हैं, कोई भी मालूमात हैं, उनको आप पहले ख़ुद से इन्वेस्टिगेट करो, उनके बारे में पूछ करो। ऐसे नहीं कि जो है वो बगैर कुछ छानबीन के आपने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेट का मतलब छानबीन। ही आल्सो थॉट देम टू रिजेक्ट सुपरस्टिशंस एंड विशफुल थिंकिंग। इन्होंने लोगों को सिखाया कि सुपरस्टिशंस यानी जो मफरूजात हैं, बनी बनाई बातें हैं, उन पे ना यकीन करें, उन पे ना कान धरें। और विशफुल थिंकिंग, ये कि जो हम सोच रहे हैं वही होना चाहिए, इस पर भी जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ऐसी बातों को। कन्फ्यूशियस आल्सो प्लेस एम्फेसिस ऑन सिंसियरिटी। एम्फेसिस यानी जोर देना। कन्फ्यूशियस ने सिंसियरिटी यानी खलूस पैदा करने पर जोर दिया। सिंसियरिटी का मतलब होता है खलूस, सच्चाई, इखलास। ही वॉन्टेड हिज डिसिपल्स टू ट्रेवल इन द पाथ ऑफ ट्रुथ। डिसिपल्स भी शागिर्द को कहते हैं, मानने वालों को कहते हैं। सो वो चाहता था कि जो भी लोग उसको मानते हैं वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले, द पाथ ऑफ ट्रुथ। ही बिलीव दैट सोसाइटी शुड फंक्शन लाइक अ लविंग फैमिली। उसका ये मानना था, वो यकीन करता था कि जो मुआशरा है उसको कैसे रहना चाहिए, एक प्यार मोहब्बत वाली फैमिली की तरह रहना चाहिए। इन चाइना वेयर फैमिली टाइज वर क्लोजर देन एनी वेयर एल्स। शुरू में चाइना में जो फैमिली है, फैमिली पर बहुत ज़ोर दिया जाता था, फैमिली की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। फैमिली टाइज, फैमिली के रिश्ते जो है वो, फैमिली में मौजूद रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। To ask people to treat everyone as member of their own family was to ask a lot for them. ठीक है, अगर ये कह दिया जाता था कि आप जो है वो किसी को अपने फैमिली मेंबर की तरह मानो, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, क्योंकि फैमिली की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी उनके अंदर।
एंड द ओनली वे टू बिगिन ही टॉट वाज टू गेट गुड एंड वाइज मैन इन टू पोजिशंस ऑफ पावर. और वो चाहता था कि मुआशरे में जिस भी बंदे के पास पावर हो, जिस भी इंसान के पास पावर हो, पोजिशन हो, वो एक अच्छा बंदा होना चाहिए, अक्लमंद बंदा होना चाहिए. हाउ एवर, बहरहाल, कन्फ्यूजियस वॉज नेवर अपॉइंटेड टू एनी हाई ऑफिस, ऑल्दो सेवरल ऑफ हिज पीपल्स वर गिवन हिज ऑनर. कन्फ्यूजियस को कभी कोई जो है वो हाई रैंक पोजिशन पर नहीं अपॉइंट किया, गवर्नमेंट में की किसी भी जो है वो रैंकिंग पर नहीं अपॉइंट किया गया. हालांकि बहुत सारे उसके शागिर्द जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े आदमी बने थे. ठीक है जी. कन्फ्यूजियस स्पेंड ईयर्स वैंडरिंग थ्रू चाइना सीकिंग फॉर अ प्रिंस हु वुड गिव हिम अ चांस टू रीमेक द वर्ल्ड. कन्फ्यूजियस चाइना पे बहुत जो है वो उसने घूमा फिरा, वैंडरिंग का मतलब घूमना थ्रू आउट द चाइना. चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, अगर वो पूरा घूमा होगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसने बहुत मेहनत की होगी ताकि कोई किसी भी इलाके का कोई भी जो है वो प्रिंस, कोई शहजादा, कोई बादशाह उसे जो है वो एक चांस देता, एक मौका देता कि वो दुनिया को बदलता. ठीक है. बट ही वॉज टू आउट स्पोकन टू बी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन. आउट स्पोकन यानी सच बोलना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना. वो बहुत ज़्यादा सच बोलता था, बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा था, जो कि एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन की क्वालिटी नहीं होती. आपको पता है कामयाब पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा जो है वो घुमा फिरा कर यू टर्न में बात करते हैं, यू नो दैट. ही रिटर्न एट लास्ट टू हिज होम टाउन. वो आखिरकार अपने होम टाउन पर वापस पहुँचता है, अ टायर्ड ओल्ड मैन. और जब तक वो वापस आता है थक हार कर तो वो बहुत बूढ़ा हो जाता है. ही वैन ही डाइड हिज पीपल्स माउंट फॉर हिम एज अ फादर. जब वो उसकी डेथ हुई थी तो उसके शागिर्दों ने इतना दुख मनाया, इतनी ताज़ियत की. माउंट का मतलब मातम करना, ताज़ियत करना, जैसे कि उनका जो है वो उनके वालिद का इंतकाल हो गया हो. हिज पीपल्स रिकॉर्डेड डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ही टॉट. ठीक है जी. उसके शागिर्दों ने उसकी जो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो उन्होंने सिखाई थी उन सब को रिकॉर्ड किया था, लिखा था. देयर रिकॉर्ड हैज़ बिकम द मोस्ट रिस्पेक्टेड बुक ऑफ द चाइनीज पीपल. और वो जो बुक्स उन्होंने की शागिर्दों ने उनकी तालीमात के बारे में लिखी थी वो बहुत ही इज्जत और रिस्पेक्टेबल बुक समझी जाती हैं अमंग चाइनीज पीपल. टुडे वी हैव काउंटलेस बुक रिटन अबाउट द टीचिंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस. कन्फ्यूशियस के लिखी गई बहुत सारी बुक हैं हमारे पास. द रीज़न इज़ दैट ऑल दो कन्फ्यूजियस इज़ नाइदर अ सैंट नॉर अ प्रॉफिट. वजह यह है कि हालांकि ऑल दो यानी हालांकि कन्फ्यूशियस ना तो कोई बहुत बड़ा जो है वो वली था अल्लाह ताला का, ना ही कोई पैगंबर. ही स्टैंड्स अलोन इन हिस्ट्री एज अ मैन हु मॉल्डेड द माइंड एंड मैनर्स ऑफ अ नेशन. वो बंदा था कन्फ्यूजियस जिसने तारीख में लोगों को क्या सिखाया, उनके माइंड्स को चेंज किया और उनको जो है वो अच्छे इखलाक की तालीमात दी, अच्छा बनना सिखाया पूरी कौम को. इसलिए उसको बहुत ही रिस्पेक्टेबल माना जाता है चाइनीज़ हिस्ट्री में और वर्ल्ड लिटरेचर हिस्ट्री में भी उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप को आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. और जिस तरह के आपको वर्कशीट में काम दिया गया है आप उस वर्कशीट के हिसाब से अपना काम कीजिए. और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर एवरी वन ऑफ देम. ठीक है जी.